पंचतंत्र की कहानियाँ, गोलू मोलू और भालू। गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था, वहीं मोलू मोटा गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। उधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण है ही नहीं। भालू घुरघुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे और शरीर को सूंघा और उसे मरा समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया, तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर न बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वो तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उससे कितनी भारी भूल हो गई थी। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए।